जो लोग पुलिस में अपॉइंट होना चाहते हैं या जो भर्ती के मरइल से गुजर रहे हैं और जिन पर क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं या जिनका नाम सी आर ओ में आया हुआ है वो कैसे अपना नाम सी आर ओ से निकालेंगे इस रेडियो में आपको बताऊँगा मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल जी तो सबसे पहले आपने जो एप्लीकेशन लिखनी है वो अपने एडिशनल आई जी के नाम एप्लीकेशन लिखनी है जो भी किसी भी किसी भी सूबे से ताल्लुक़ जिसका रहो मैं आपको रूल बता रहा हूँ रेगुलेशन बता रहा हूँ जो कानूनी तौर पर होता है सबसे पहले आपने जो एप्लीकेशन लिखनी है वो आपने अपने ए डी एडिशनल आई जी के नाम पर जो है ना आपने एप्लीकेशन लिखनी है उसका जो इंटरफेस है वो स्टार्टिंग में इस तरह कुछ लिखना है ब खिदमत जनाबि एडिशनल आई जी कराची पुलिस ऑफिस ठीक है नीचे ान आएगा उन्वान लिखने के बाद लिखना है इसतदा बराय नाम खारिज सी आर ओ जो इस उनवान मतलब सब्जेक्ट हम लिख रहे हैं कि भाई हम हमने अपना नाम ख़त्म करवाना है सी से क्योंकि जब तक वो रहता है तो आपको काफ़ी परेशानियाँ होती हैं नहीं किसी की रिक्रूटमेंट के लिए बाकी भी काफ़ी इशूज़ होते हैं आपने आउट ऑफ कंट्री जाना होता है तो बड़ी परेशानियाँ होती हैं तो बेहतर यह कि जो जिनकी जजमेंट आ जाती है जिनका फ़ैसला आ जाता है जो अपने मुकदमे से बरी हो जाते हैं वो ये अमल लाजमी करेंगे ताकि आपका नाम सीआर से खारिज कर दिया जाएगा अच्छा यहाँ तक तो आपने समझ लिया अब चलते हैं इसके जो निचला हिस्सा है जो आपने लिखना क्या एप्लीकेशन में उसकी तरफ चलते हैं फिर नीचे की तरफ आना आपने नीचे लिखना जनाबे अली अच्छा इस एप्लीकेशन को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया लिंक वहाँ से इसको लाजमी डाउनलोड कर लेना और मैंने इसको बस ऐसी रफली तौर पे लिखा है उसको पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अक्सर जो मतलब राइटिंग का काफ़ी इशू हो जाता है तो इसीलिए मैंने कहा इसको मैं पढ़ के सुना दूँ वर्ड बाय वर्ड ताकि आप जैसे लिखवाएं या ख़ुद लिखें तो आपको आसानी से समझ आ सके इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से पी डाउनलोड कर लेना अच्छा चलते हैं आप एप्लीकेशन की तरफ जनाब अली गुजारिश है कि मुसम्मी अच्छा मुसम्मी लिखते हैं ख़ुद के लिए ये आ, टर्म निकली है मिस्टर से ठीक है मुसम्मी आपका नाम आएगा फिर आपका आएगा वल्दीत वहाँ मैंने डैश डाल दिया था कि एक आ, मतलब ऐसी प्रफॉर्मासा बनाया एप्लीकेशन का मैंने तो सकना मकान नंबर मतलब आपने अपना मकान नंबर लिखना है वो लिखने के बाद एड्रेस लिखने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है आपने अपना मैं अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर हूँ फिदवी के ख़िलाफ़ साल डैश में थाना डैश में मुकदमा इल्ज़ाम नंबर डैश बजुर्म दफ़ा दर्ज हुआ था जो के बाद अदालत जनाब साउथ किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा हो आपका मैं चला और अब मैं इस केस से बरी हो गया हूँ मुकदमे की जजमेंट कॉपी मिसल लफ है ये लिखते हैं मतलब साथ अटैच जैसे हम इंग्लिश में लिखते ना इनकलोज मुंसलिक तो ये मिसल लफ़ है ठीक है फिदवी ने सिंध पुलिस में बाहसीत कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया था जो कि अब इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया है ठीक है यहाँ तक अब आ गया है अब आगे में जो है ना पेज में नेक्स्ट करते हैं अच्छा रिजल्ट आ गया है और मैं कामयाब हो गया हूँ और सी आर ओ रिकॉर्ड में मेरा नाम अब भी सामने आया है जिससे मेरी भर्ती पर असर पड़ सकता है लिहाजा आपसे बजरिया दरख्वास्त इस्तदा है कि मेरा नाम सी आर ओ से खारिज किया जाए ताकि फिदवी को नौकरी मिल सके आपकी एन नवाजिश होगी अर्ज़ गुजार नाम आगे दस्तखत आएगा नीचे वल्दियत आएगी उसके नीचे सी एन एस नंबर आएगा फिर फ़ोन नंबर आएगा ये तो है एप्लीकेशन अच्छा ये आपने सबमिट कहाँ कहाँ करवानी है एक आप करवाएंगे अपने एडिशनल एजी जी ऑफिस में उसके साथ आप अपना जजमेंट ऑर्डर भी करेंगे अटैच ठीक है उसके बाद एक आप सी आई ए में जमा कराएँगे जहाँ आपका रिकॉर्ड सी आर ओ का रखा जाता है साथ में जजमेंट कॉपी भी जमा कराएंगे ये आप करवा दे काम ठीक है लाजमी करवा देना काम ये कल परसों और जब भी जितनी जल्दी हो सके ये कल परसों में उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी वैकेंसीज अभी चल रही हैं ठीक है ठीके? बाकी ये खुश रहें आबाद रहें बेस्ट ऑफ लक मुझे दुआ में याद रखना अल्लाह सब्सक्राइब सर खारियल यूट्यूब थैंक्स फॉर वॉचिंग See you in the next video.